अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ हमना सलीम और आज मैं आपको सैर करवा रही हूँ मुल्तान की। और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्ट गैलरी दमदमा पे और अंदर जाते हैं, मैं आपको दमदमा का विज़िट करवाती हूँ कि यहाँ पर किस किस्म के हमारे एसेट को कंज़र्व किया गया है और कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है, ये सब मैं आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ। लेट्स कम विद मी। तो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों ये है दमदमा की अपडेटेड फॉर्म। बेसिकली क्योंकि बिल्डिंग दमदमा की बहुत पुरानी हो चुकी थी, बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो इसलिए इसको यहाँ पर रिनोवेट किया गया है, क्योंकि अपने एसेट को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी था। और पाकिस्तानी लोगों के लिए यहाँ पर एंट्री टिकट है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में। यहाँ पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ कल्चर यानी सकाफत को दिखाया गया है। पाकिस्तान की देही सकाफत को यहाँ पर बहुत ज़्यादा शो किया गया है कि यहाँ पर जो विलेज में लोग रहते थे उनका लाइफस्टाइल क्या था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हुक्का और घड़े जैसी चीज़ों को भी रखा गया है और मुख्तलिफ कल्चर के ड्रेसेस को यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी आर्ट गैलरी है और यहाँ पर बहुत खूबसूरत किस्म का आर्ट डिस्प्ले किया गया है। स्पेशली यहाँ पर मुगलिया दौर के आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है ताकि हमारे आने वाली न्यू जनरेशन इससे फ़ायदा उठा सके। आर्ट गैलरी का जो इन्वायरमेंट है वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है जैसा कि होना चाहिए था, क्योंकि डे लाइट में लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पर जो इमेज है वो प्रॉपर तौर पर वाजा नहीं हो रही। आप देख सकते हैं मैं इनको कैप्चर करने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये प्रॉपर तौर पर कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा। इससे बेहतर है कि आप दमदमा आर्ट गैलरी को नाइट टाइम में विज़िट करें ताकि आपको सारे जो पोर्ट्रेट हैं, सारा आर्ट जो है वो क्लियरली आपको आप इसको देख सकें। तो दोस्तों जो अभी आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये कदीम मुल्तान में कपड़ों की रंग साजी की एक खूबसूरत तस्वीर है जिसको खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर डिस्प्ले किया गया था कि पुराने ज़माने में कैसे रंग साजी की जाती थी। जैसा कि आप जानते हैं मुल्तान के कल्चरल ड्रेसेस ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। पिक्चर गैलरी में सिकंदर आजम, मोहम्मद बिन कासिम, शेरशाह सूरी और मुख्तलिफ ब्रिटिश एम्पायर्स की तस्वीर को बड़ी खूबसूरती के साथ डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पर लकड़ी और शीशे के एंटीक्स डेकर की नुमाइश की गई है।
So friends, a wonderful model of Multan Fort kept in Art Gallery Damdama. You can see over here. It's really beautiful. सो तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा कलरफुल पाकिस्तान का नक्शा है और यहाँ पर मुख्तलिफ बड़े शहरों के मरकजी मॉन्यूमेंट की तस्वीर को भी नस्ब किया गया है. दिस इज सो क्यूट. और अब मैं जा रही हूँ दमदमा की जानिब जो कि है सबसे ऊपर फ्लोर पर यानी कि रूफ टॉप पर. दोस्तों दमदमा बेसिकली किसी बुलंद जगह को कहते हैं जो कि किसी भी कला का या फिर फोर्ट का एक सेंट्रल पार्ट होता है. यू नो इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मैग्निफिसेंट प्लेसेस इन द मुल्तान. यू कैन सी और आप यहां से पूरा मुल्तान बआसानी देख सकते हैं. अभी मैं आपको दिखाती हूं. तो ये देखिए दोस्तों यहां से देख सकते हैं आप पूरा मुल्तान शहर और ये है घंटा घर जो आप अभी देख रहे हैं. In fact, I like this picture, like leave nothing but the footprints. सो तो फ्रेंड्स आपका और हमारा आज का सफ़र यहाँ पर ख़त्म हुआ जाता है. आई होप सो आपको मेरी आज की दमदमा द सिटी ऑफ सेंट्स मुल्तान की वीडियो पसंद आई होगी और आर्ट गैलरी भी पसंद आई होगी. सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें और हो सके तो मेरी वीडियोस को शेयर करें और मोर वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. मुझे लगी है बहुत प्यास और मैंने देखा है लेमनेड का एक स्टॉल. मैं इंजॉय करती हूँ लेमनेड के साथ ही. मुझे इजाज़त दीजिए एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड के साथ. हमना सलीम अल्लाह हाफिज़ फी अमानिल्लाह.